नमस्कार दोस्तों, शेन इलेक्ट्रॉनिक में आपका स्वागत है। दोस्तों आज अपने पास में एक सीलिंग फैन आया हुआ है और दोस्तों इसके अंदर प्रॉब्लम यह है कि ये घंटे भर चलता है और घंटे भर बाद में हीट होकर ये अपने आप बंद हो जाता है। तो दोस्तों ऐसी स्थिति के अंदर क्या होता है कि या तो इसकी वाइंडिंग खराब हो जाती है या फिर इसकी वाइंडिंग बहुत पुरानी हो चुकी होती है, तो ये जल्दी से हीट होती है और हीट होने के बाद में ऑटोमेटिक इसकी वाइंडिंग काम करना छोड़ देती है। यानी कि दोस्तों ये जैसे ही गर्म होती है और तो गर्म होने के बाद में इसकी जो मैग्नेट बनती है वो मैग्नेट बनाने की क्षमता कम हो जाती है। तो इस स्थिति के अंदर अपने को या तो इसकी वाइंडिंग करनी होती है और या फिर इसमें देखना होता है कि कहीं से कोई फॉल्ट तो नहीं है, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि ये कुछ समय चलता है और कुछ समय चलने के बाद में इसके अंदर कहीं से जो लीड वायर निकलते हैं यानी कि हम कनेक्शन वायर निकालते हैं उन कनेक्शन वायर के अंदर कोई लूजिंग होती है तो वो थोड़ी स्पार्किंग करके अपने आप बंद हो जाती है। यानी कि दोस्तों इसके अंदर मोटर के अंदर जो करंट जाता है वो स्पार्किंग होने की वजह से करंट के अंदर और अपनी मोटर वाइंडिंग के अंदर ब्रेक हो जाता है, उसकी वजह से अपनी मोटर चलते चलते अपने आप बंद हो जाती है। तो चलिए दोस्तों हम सबसे पहले इस मोटर को खोल लेते हैं और खोलने के बाद में देखते हैं कि क्या प्रॉब्लम है। तो दोस्तों आप देख सकते हैं हमने अपने फैन को खोल लिया है। अब दोस्तों आपको सबसे पहले चेक करना है कि इनकी शॉपट के अंदर कहीं से चाल तो नहीं हो गई है। तो देखिए दोस्तों इसके अंदर चाल नहीं है, यानी कि दोस्तों ये तो अपना एकदम ओके है। अब दोस्तों उसके बाद में देखना है इसके जो बेरिंग होते हैं उस बेरिंग को चेक करना है कि इसके बेरिंग में तो कोई दिक्कत नहीं है। देखिए दोस्तों इस तरह से घुमाकर देखना है तो दोस्तों अपने को इसके बेरिंग भी एकदम ओके दिख रहे हैं। और ये जो आपको दूसरा वाला बेरिंग दिखाई दे रहा है छोटा वाला 6201 का बेरिंग होता है और एक 6202 का होता है, तो दोनों बेरिंग एकदम ओके हैं। अब दोस्तों इसके अंदर तीसरी प्रॉब्लम ये देखनी है कि देखिए, चलिए मैं इसको स्प्रिंग को तो साइड में रखता हूँ। अब देखिए दोस्तों अब तीसरा काम ये करना है कि जैसे मान लीजिए अपनी वाइंडिंग बहुत पुरानी हो जाती है तो उस स्थिति के अंदर क्या होता है कि अपने फैन को अपन करंट देते हैं यानी कि न्यूट्रल और फेस देते हैं अपनी मोटर को, तो अपनी मोटर हीट करती है। और दोस्तों एल्यूमिनियम की जो वाइंडिंग होती है वो बहुत ज़्यादा हीट होती है और हीट होने के बाद में दोस्तों किसी भी फैन को देख लीजिए वो गर्म होता है यानी कि वो हीट होता है। और दोस्तों अगर इसकी वाइंडिंग खराब हो जाती है तो ये आवश्यकता से ज़्यादा हीट होता है। और ये जो आपको कोयलें दिखाई दे रही है यानी कि दोस्तों ये बाहर की जो पत्तियां दिखाई दे रही है ये पत्तियां हीट होती है और ये फूल जाती है। यानी कि दोस्तों आप किसी भी लोहे की धातु को आप हीट करोगे तो वो फूल जाती है। अपने रोटर के अंदर और स्टेटर के अंदर थोड़ा गैप होना जरूरी है ताकि दोस्तों अपना फैन ताकि दोस्तों अपने फैन की जो कोयलें होती है यानी कि दोस्तों ये जो पत्तियां दिखाई दे रही है इनको ही अपन कोयल बोलते हैं और ये कोयल ही हीट होने के बाद में फूल जाती है। तो दोस्तों इस स्थिति के अंदर आपको ग्लेंडर की सहायता से इस पत्तियों को थोड़ा थोड़ा घिसना पड़ेगा, फिर दोस्तों वापस अपन फिटिंग करके चलाएंगे तो दोस्तों ये प्रॉब्लम जो दिखाई दे रही है ये बिल्कुल भी नहीं होगी। तो दोस्तों इस स्थिति के अंदर आपको देखना चाहिए कि इसके अंदर क्या प्रॉब्लम है। कभी कभार ऐसा होता है कि आपका फैन जाम होने के बाद में आप डायरेक्टली किसी मिस्त्री के पास में चले जाते हो और दोस्तों आपको लगता है कि अपना फैन जल गया है, इसकी वजह से अपना फैन जाम हो चुका है, लेकिन दोस्तों ऐसा नहीं है। जो इलेक्ट्रिशियन के पास आप लेकर जाते हो वो क्या करता है कि इसके अंदर छोटा मोटा काम करके अपने फैन को वापस दे देता है। और दोस्तों वो भी अपने इलेक्ट्रिशियन के पास लेकर जाते हैं तो वो भी इसी के अंदर यही काम करने वाला है। अब देखिए दोस्तों एक दूसरा मैं सुराग बताता हूँ आपको। देखिए दोस्तों ये पत्ती फूल जाने की वजह से देखिए यहाँ पे घिस चुकी है, यानी कि दोस्तों ये इसके संपर्क में आती है और ये घिस गई थी, इसी की वजह से दोस्तों ये जाम हो रहा था। और दोस्तों इलेक्ट्रिशियन 100% इसके अंदर ऐसा ही करता। दोस्तों ग्लेंडर की सहायता से जो पत्तियां दिखाई दे रही है ये जो कोयलें दिखाई दे रही है इन कोयलों को ग्लेंडर की सहायता से हल्का हल्का घिस देता ताकि दोस्तों अपने स्टेटर के अंदर और रोटर के अंदर थोड़ा गैप हो जाता और गैप होने के बाद में दोस्तों अपना फैन बिल्कुल भी जाम नहीं होने वाला है। तो दोस्तों ये छोटी मोटी समस्या आपको एक बार घर पे भी देख लेनी चाहिए। आप डायरेक्टली मिस्त्री के पास जाते हो तो वो आपसे 100-200 रुपए तो छोटे मोटे काम के ही ले लेता है। चलिए दोस्तों मैं एक ग्लेंडर लेता हूँ और ग्लेंडर की सहायता से इसकी जो पत्तियां दिखाई दे रही है इनको घिसता हूँ। देखिए दोस्तों हमने ग्लेंडर ले लिया है और दोस्तों ग्लेंडर को हमने लाइट में लगा दिया है। अब दोस्तों आपको याद रखना है कि आपको जो ये पत्तियां दिखाई दे रही है यानी कि दोस्तों आपकी सीलिंग फैन की जो कोयल दिखाई दे रही है इन कोयलों को आपको इतनी आसानी से घसना है, इतनी सेफ्टी से घसना है, इतना ध्यान रखकर घसना है ताकि दोस्तों अपनी जो वाइंडिंग दिखाई दे रही है वाइंडिंग के अंदर कोई से कट नहीं लग जाए। अगर दोस्तों कट लग जाएगा तो आपका फैन चलना बिल्कुल ही बंद हो जाएगा। यानी कि दोस्तों अभी तो ये घंटा भर तो चल रहा है लेकिन दोस्तों अगर आप गलती से भी कट लग गए
गया तो आपका फ़ैन बिल्कुल ही बंद हो जाएगा दोस्तों, फिर तो ये बिल्कुल भी नहीं चलेगा। चलिए दोस्तों मैं आपको घिसना बताता हूँ कि कैसे इसको घिसना है। देखिए दोस्तों, तो दोस्तों आप देख सकते हैं हमने किस तरह से ग्राइंडर की सहायता से हमने अपनी कोयल की जो पत्तियां थी, अपनी जो कोयल की, अपने फैन की जो कोयलें थी, उन कोयलों को किस तरह से घिस लिया है। अब दोस्तों अपने रोटर को और स्टेटर को इसके अंदर बीच में इसके अंदर रखकर देखते हैं कि कितना गैप है। तो दोस्तों अब देख सकते हैं कि अपने फैन के अंदर पहले से काफ़ी ज़्यादा स्पेस हो गया है। और दोस्तों पहले अपन ने इस तरह से इसके रोटर को और स्टेटर को रखा था तो अपना इसका रोटर भी एकदम इसी के साथ में इस तरह से आ गया था, लेकिन दोस्तों अब नहीं आने वाला है क्योंकि दोस्तों हमने ग्लेंडर की सहायता से इसको घिस लिया है। चलिए दोस्तों अब अपने फैन को वापस फिटिंग करके देखते हैं और किस तरह से हमने ग्लेंडर से घिसाई की थी। आप देख सकते हैं कि हमने कितनी सावधानी से हमने अपनी सीलिंग फैन की पत्तियां थी उनको घिस लिया है। चलिए दोस्तों अब एक बार अपनी वाइंडिंग को चेक कर लेते हैं कि ग्लेंडर से घिसने के पश्चात अपनी वाइंडिंग तो कहीं से शॉर्ट नहीं हो गई है। तो दोस्तों अपनी वाइंडिंग एकदम ओके है। चलिए दोस्तों अब अपने फैन को फिटिंग करते हैं। ओके, चलिए दोस्तों अब अपना फैन एकदम ओके है और अब दोस्तों ये गर्म होकर नहीं जाम होने वाला है। यानी कि दोस्तों ये जो पहले चलता था तो 10 मिनट या फिर एक घंटा का गैप लेता था और चलते चलते ही जाम हो जाता। तो दोस्तों उस स्थिति में ऐसा होता था कि अपनी जो कोयले दिखाई दे रही है ये हीट होती है और हीट होने के बाद में दोस्तों ये फूल जाती है। यानी कि दोस्तों ये जो उभरी हुई दिखाई दे रही है ये पत्तियाँ, ये थोड़ा अपना आकार में परिवर्तन कर लेती थी और इसके बीच में रगड़ खाती थी, उसकी वजह से अपना फैन जाम हो जाता था। लेकिन दोस्तों अब ऐसा नहीं होने वाला है। चलिए दोस्तों अब अपने फैन को फिटिंग करते हैं। तो दोस्तों आप देख सकते हैं हमने अपने फैन की फिटिंग कर ली है और दोस्तों अब इसको चलाकर देखते हैं। चलिए दोस्तों हमने इसको बोर्ड के अंदर लाइट और चलिए दोस्तों हमने इसको लाइट के अंदर लगा रखा है। ये जो आपको वायर दिखाई दे रहा है नीला वाला, इसको हमने न्यूट्रल और फेस दे रखा है। चलिए दोस्तों हमने इसको सीरीज के अंदर कनेक्ट किया है। चलिए दोस्तों हमने अपने फैन की फिटिंग कर ली है और फिटिंग करने के बाद में देखिए मैंने सीरीज बोर्ड के अंदर इस वायर को कनेक्ट किया हुआ है और अब अपने फैन को चलाकर देखते हैं। देखिए दोस्तों मैंने वीडियो को मैंने स्किप कर दिया था क्योंकि दोस्तों वीडियो ज्यादा लंबा हो गया था, जिसकी वजह से मैंने अपने फैन को फिटिंग भी कर लिया है और कंडेंसर का कनेक्शन भी एकदम कंप्लीट करके रख दिया है। अब दोस्तों इसको चलाने का काम है। चलिए दोस्तों अब हम अपने फैन को लाइट में लगाते हैं। तो दोस्तों आप देख सकते हैं अपना फैन चल गया है और अपना बल्ब भी ग्लो करने लगा है। इसका मतलब दोस्तों ये हुआ कि अपना फैन अब कोई दिक्कत नहीं करने वाला है। दोस्तों इसके अंदर यही प्रॉब्लम थी। यानी कि दोस्तों अगर आपके सामने भी ऐसी समस्या दिखाई देती है तो आप भी अपने फैन को ठीक कर सकते हैं। दोस्तों होता कुछ भी नहीं है, इसकी जो कोयले होती है वो क्या है कि हीट होने के बाद में अपने आकार में बदलाव ला देती है और इसके स्टेटर के और रोटर के बीच में स्पेस बहुत कम हो जाता है, जिसकी वजह से ये रोटर अपने फैन वाइंडिंग की जो कोयल होती है उससे रगड़ खाने लग जाता है, जिसकी वजह से अपना फैन जाम हो जाता है। और दोस्तों आपको लगता है कि अपना फैन जल गया है, लेकिन दोस्तों ऐसा नहीं है। तो दोस्तों अगर आपको मेरी जानकारी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, कमेंट कर देना और अपने दोस्तों तक शेयर कर देना। धन्यवाद।